हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, सर्दियों का सीज़न बस आने ही वाला है और जो भी नर्सरियां हैं वो सर्दियों के फूलों से या तो सज चुका है या तो धीरे धीरे जो पौधे हैं वो आना शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि कई जगह अभी तक पौधे ना पहुँचे हों, लेकिन अक्टूबर के महीने से सर्दियों के पौधे आपको सभी जगह मिलने लग जाएंगे। तो इन पौधों को आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिएगा और दो तीन महीने जो है ये जो फ्लावर्स है बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग करते हैं और पूरा जो सर्दियों का सीज़न है बहुत ही रंग बिरंगा इन फ्लावर्स से हमारा घर रहता है। तो दोस्तों, ये जो सर्दियों के पौधे हैं इनको लगाने के लिए जिस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो आज के वीडियो में हम उस तरह के मिट्टी को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, आमतौर से जो हम सीजनल पौधे लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा अलग होता है इस तरह के मिट्टी को बनाना, कोई बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें जो फर्टिलाइज़र है उसकी ज़्यादा मात्रा देनी होती है और जो मिट्टी है इसको ज़्यादा हल्का बनाना होता है। दोस्तों, चूँकि सर्दियों के पौधे जो हैं और ये जो सीजनल पौधे हैं ख़ास तौर से, तो ये पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत कम समय का इनका पीरियड होता है, इसलिए इनका जो सॉइल मिक्स है वो काफ़ी रिच होना चाहिए। सर्दियों के सीज़न में आप गजानिया, पिटूनिया, डैंथस और इसके अलावा गुलदाउदी और इस तरह के तमाम जो फूल हैं वो लगा सकते हैं। तो सभी फूलों को लगाने के लिए आप जो भी सॉइल मिक्स का आज मैं मिक्सचर बताने जा रहा हूं, तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं मैं किस तरह से अपने सर्दियों के फूलों के लिए सॉइल मिक्स तैयार कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे तो सॉइल मिक्स बनाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह की विधियों को अप्लाई करते हैं, अलग अलग चीज़ों को मिलाते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा जो भी सॉइल मिक्स बनाता हूँ वो अपने आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है तो उन्हीं का मैं यूज़ करता हूँ और बहुत ज़्यादा जो है मार्केट से मैं नहीं ख़रीदता दुनिया भर की चीज़ें। हाँ, जो चीज़ें आसपास अवेलेबल हो जाती है आसानी से और कम रेट पर, तो उन्हीं चीज़ों का यूज़ मैं अपने गार्डनिंग में करता हूँ। तो ये वो सारी सामग्री है जिनको कि मैं अपने इस सॉइल मिक्स में मिलाने वाला हूँ। तो कोई चीज़ कट्टे में है, कोई बैग में है, कोई पॉलीथीन में है, तो इन चीज़ों को देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सभी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा और इनमें से ये चीज़ें अक्सर आप अपने नॉर्मल सॉइल मिक्स में भी यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। दोस्तों, जो सॉइल मिक्स है उसमें सबसे पहले आपको गार्डन सॉइल चाहिए होता है। तो गार्डन सॉइल में आप नई मिट्टी भी ले सकते हैं, चाहे तो अपने गमले की जो पुरानी मिट्टी है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके वहाँ धूप निकल रही होगी तो अगर एक दो दिन धूप में इसको सुखा लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जितना मिट्टी सूखेगा उतना ही अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप नई मिट्टी कहीं से ला रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आप उसमें थोड़ा सा फ्यूराडॉन, जो दानेदार पेस्टिसाइड होता है, तो इस फ्यूराडॉन को एक दो चम्मच मिट्टी में मिला सकते हैं, तो उससे जो है आपके जो मिट्टी के कीड़े मकोड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको मिला करके पहले आप 3-4 दिन तक रख दें और उसके बाद जो है आप सॉइल मिक्स को तैयार करें। देखिए दोस्तों, एक जग मैंने इस तरह से गार्डन सॉइल ले लिया है यहाँ से, और अब जो है मैं इसमें मिलाने वाला हूँ कंपोस्ट। तो ये जो कंपोस्ट है ये वर्मी कंपोस्ट है, यानी कि केचुए का खाद है, और इसको जो है आप 50% ले सकते हैं। तो 40 से 50% के बीच में लेना आपको बहुत ज़रूरी है। बाकी जो परमानेंट फ्लावर है तो उनके लिए आप 30% इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ले लिया है और इसके बाद जो है जो अगली चीज़ लेंगे वो है, देखिए दोस्तों, इस बोरी में
यहाँ पर जो है ये राइस हस्क है, तो राइस हस्क हमें थोड़ा सा लेना है, जितना हमने कंपोस्ट लिया तो लगभग उतना राइस हस्क भी हम इसमें ले लेते हैं। दोस्तों इससे पहले के वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या यहाँ पर हम गेहूं के जो हस्क है उसको ले सकते हैं, तो दोस्तों अगर गेहूं का जो भूसा है या हस्क है वो लेते हैं तो उसको जो है आप भिगो करके रखिएगा, कम से कम 15-20 दिन एक महीना उसको सड़ा लीजिए और उसके बाद ही जो है इसमें यूज़ कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमें लेना है रेत, अगर आपके मिट्टी रेतीली है तो उसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं, या गमले में ऑलरेडी जो पुरानी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं उसमें रेत मिला हुआ होगा तो फिर आपको उसमें भी रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लगता है कि मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा ढीली नहीं हो रही है तो ऐसे में आप थोड़ा सा रेत मिला सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है नीम खली, तो नीम खली मुझे आसानी से अपने पास मिल गया था आसपास, और ये जो नीम खली है दोस्तों मुझे ये जो है लगभग 20 रुपये केजी में पड़ा था, तो ये 16 से 20 रुपये या 25 रुपये केजी हो सकता है बड़े शहरों में मिल जाए, या हो सकता है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कीमत भी लेते हों, तो अगर ज़्यादा कीमती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मिलाएं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं तो ये है सरसों की खली, तो सरसों की खली जो है ये पीसे हुए फॉर्म में है तो इसको आप ले सकते हैं। तो देखिए एक मुट्ठी हमने सरसों की खली भी इसमें मिला दी, तो एक मुट्ठी नीम खली और एक मुट्ठी सरसों की खली। दोस्तों जो सरसों की खली है तो जहाँ पशुओं का दाना मिलता है या बीज वगैरह मिलते हैं तो ऐसे दुकानों में भी मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर कहीं पर तेल निकालने के लिए छोटी ऑयल मिल हो आपके शहर में या गांव में तो वहां से भी मिल जाएगा। सरसों की खली आमतौर से 25 से 30 रुपए केजी मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो देख रही हैं ये है नीम खली, तो नीम खली आपको ये भी जो है अपने आसपास मिल जाएगा, तो इसको तो गार्डनिंग के दुकान में या जो नर्सरी है वहाँ से आप ले सकते हैं, और आमतौर से ये भी 20-25 रुपए किलो में मिल जाता है। इसके अलावा ये जो है ये है रेत जो आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, तो इस तरह के रेत का आपको यूज़ करना है। और दोस्तों ये जो है देख रहे हैं तो ये हमारा जो राइस हस्क है वही है, और कई लोगों ने तो ये कहा है कि हमें यहाँ पर 50 रुपये या 100 रुपये केजी मिलता है, दोस्तों ये केवल 4-5 रुपये किलो मिलता है। दोस्तों जहाँ धान से जो है चावल बनाया जाता है ऐसे छोटी मिल या छोटी चक्की इस तरह के जहाँ लगे हुए रहते हैं तो वहाँ से आप ये लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा ये दोस्तों है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट आमतौर से जो है दुकानों से आप लेंगे तो लगभग 30 रुपये केजी मिलेगा, लेकिन जो लोग कंपोस्ट बनाते हैं उनके पास से लेंगे तो ये जो है आसानी से 10-15 रुपये केजी में आपको मिल जाएगा। दोस्तों चलिए अब इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करते हैं, तो इनको मिक्स करने के बाद एक बहुत अच्छा जो सॉइल है वो तैयार हो जाएगा और बहुत ही हल्का सॉइल होगा। तो इस तरह के सॉइल अगर आप बना करके गमले में डालेंगे या छोटे पॉट में भी डालेंगे तो भी जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों सॉइल मिक्स बनाने के बाद डायरेक्ट आप इसको गमले में मत डालिएगा, बल्कि गमले में जो होल्स आपने किए हैं अगर प्लास्टिक के गमले हैं तो ज़्यादा होल्स कीजिएगा, कम से कम 6-7 होल आप उसमें कीजिएगा, और नीचे एक लेयर बजरी जो है आप बिछा दीजिएगा, और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा सा रेत भी रखने की कोशिश कीजिएगा, और उसके ऊपर आप ये सॉइल मिक्स डाल करके तब अपने जो भी पौधे हैं उनको लगा सकते हैं। तो ऐसे में जो सॉइल है वो धुल करके नीचे से पानी के साथ नहीं बहेगा और आपके होल्स भी बंद नहीं होंगे, तो इस तरह से आपको गमलों में इन सबको भरना है। दोस्तों कोशिश कीजिएगा जो भी आपके आसपास चीज़ें अवेलेबल है तो उन्हीं चीज़ों को आप यूज़ करके अपने सॉइल मिक्स को बनाएं,
और जो भी सामग्री है उनको अधिक से अधिक अपने आसपास या लोकल मार्केट में ही ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को ऑनलाइन सर्च करने जाएंगे, ढूंढेंगे, तो ये काफ़ी महंगे आएंगे। तो इसलिए सबसे पहला जो है आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि आसपास के दुकानों में या अपने गांव में, शहर में ढूंढें। दोस्तों देखिए, हवा चलना शुरू हो गया है ये सॉइल मिक्स को बनाते बनाते, और एकदम बादलों से अचानक से घिर आया है। जबकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था उस समय धूप थी, और एकदम से सब जगह बादल हो गए हैं, और मुझे लगता है कि बारिश भी आने वाली है। और देखिए, एक व्यू भी इस समय का मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने गार्डन का। तो इससे पहले आपने हिबिस्कस देखा, यहाँ गुलाब है और भी कई तरह के फ्लावरिंग प्लांट है। और यहाँ से जो है बाहर, छत के बाहर जो खेत है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए पूरी तरह से जो हरे हरे हैं, इसमें धान लगे हुए हैं, और इस समय जो है धान इसमें निकले हुए भी हैं, धान की बौर आ रही है। और दूर दूर तक जहाँ भी आप देखें तो बस धान के ही ये खेत नज़र आएंगे। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हरियाली यहाँ से नज़र आ रही है, और आसमान तो देख ही रहे हैं पूरा बादलों से भरा हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।